अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम उसी बाबा की खुई की तरफ चल रहे हैं, वो घाट टाइप है, वो आपको दिखाएंगे। आई हैर आपको सम अननोन प्लेसेस ऑफ अहमदाबाद हम दिखाएंगे, इधर कोई आता जाता कोई नहीं है। खैर स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स गो एंड वेट फॉर अ व्लॉग। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे सारे चल के आ रहे हैं। आसिम आप भी यार सामने आ जाओ, ये आप जगह देख लें, सीन कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। खैर जिस जगह पे हम जा रहे हैं यहाँ पर एक इसके पीछे एक पूरी स्टोरी मशहूर है। बाकी आप ये देख लें, ये साफ चश्मा पीने वाला पानी है यहाँ पर। आगे चलते हैं। बाद में पीना यार पानी, अभी आगे चलो चलिए आगे किसी हिसाब को हम देखो। हमारी लापरवाही का नतीजा ये छोटी बच्ची रोने लग गई है। आसिम आपने क्यों नहीं इसका ख्याल रखा? I'm sorry, I'm so sorry. ना तो इंशाल्लाह आगे ये देखें यार अब रोने लग गई है। उमा मत रो, क्या हुआ उमा, क्या हुआ? मैं बताऊंगा। ये इसके यार पाओ में इधर कांटा लग गया। नहीं रोते नहीं है, यू आर ब्रेव गर्ल। सो गाइस अभी हम बस तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं, तो आज हम पूरा अंदर भी जाएंगे इस कार के। हाँ क्योंकि पिछली दफा हम आए थे देख के अमल को वापस पा के थे। यार डर लग रहा था। खैर तो और के प्यार लगे, आज फिर आए हैं क्योंकि उस टाइम जरा टाइम लेट हो गया था, अंधेरा हो रहा था, और आज हम पहुंच चुके हैं और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस यार सीन कुछ ऐसे हैं, ये यहाँ पे एक चाचा जी होते थे, गांव में रहते थे, और उनकी काफ़ी यार ज़्यादा ज़मीनें वगैरह भी थी, और उन्होंने शादी वगैरह तो कोई नहीं की, बस वो इस घर में आके रहने लग गए थे। तो ये आप देख सकते हैं शहरयार इब्राहिम लोग चले गए, और आसिम अंदर गुम भी हो चुका है मेरे ख्याल से, काफ़ी ख़तरनाक टाइप ही चीज़ है। हम आप इधर रुको, ये आप देख सकते हैं आसिम कुछ अंदर फेंक रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि यार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यार एक दरवाजा पहले इधर होता था, यहाँ से यहाँ पे एक दरवाजा प्रॉपर होता था, और ये प्रॉपर एक कमरा टाइप था। तो ये अब ऊपर से लैंडस्लाइडिंग कह ले या जो भी मर्जी कह ले, बारिशों की वजह से ये जगह काफी, ये देखे आप नीचे गिर चुकी है, और ये देखे ये कंस्ट्रक्शन जो भी थी यहाँ पे टूट चुकी है। तो ये पता नहीं यार काफी अजीब सी घर है, और ये अब आपको आसिम आगे दिखाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं आपको इधर अंदर कुछ नजर आ रही है, काफी खतरनाक है, अंदर जाने की मतलब दम नहीं है। अंदर जाने में भाई खौफ है खौफ, इधर कोई नहीं जा सकता ही। तो गाइस ये पता नहीं आगे कहां तक जा रही है, हमें कुछ सीन कुछ भी यार नहीं पता। मैं आखिर ऐसी ताड़े की टॉर्च ला, नहीं यार बड़ी नहीं है, टॉर्च ला के देना ही ना वीडियो का। इतनी ठंडी घर है यार, मतलब यार इधर बहुत ठंड है। नाइस मैन, इधर कोई भी नहीं जा सकता, मड़ा बहुत खतरनाक है। ये सामने यही वाली यार हम आपको दिखा रहे थे, तो इधर अंदर इंशाल्लाह हम जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे यार अंदर। हाँ, चलते इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास एक मोबाइल है यार, यहाँ पे काफी इलेक्ट्रिसिटी का आज ही मसला बन गया, तो मुझे कुछ यहाँ पे आवाजें आ रही है यार। असम यहाँ से चल निकल यार, चल चल। गाइस
अभी हम बस तकरीबन पहुंचने ही वाले हैं, तो आज हम पूरा अंदर भी जाएंगे इस कार के। हाँ, तो पिछली दफा हम आए थे देख के अमल को वापस भाग गए थे यार, डर लग रहा था। खैर तो और के प्यार लगे। आज फिर आए हैं क्योंकि उस टाइम जरा टाइम लेट हो गया था, अंधेरा हो रहा था, और आज हम पहुंच चुके हैं। और ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये गाइस आप देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी गार है, पूरी गार है ये, सही है, बिल्कुल पहाड़ के नीचे बीच में बनी हुई है ये, ये हैंडमेड। ये कोई इधर का बंदा था जो यहाँ पर पहले किसी वक्त रहता था, बस उसके वो फोत हो गया और उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, उसके बाद शायद हम ही आ रहे हैं आज। चलें, चलो अंदर चलते हैं, आपको सीन्स दिखाते हैं। गाइस आप सीन देखें, काफ़ी खुली सी गार है, अब दुआ करें कोई जानवर शानवर ना छुपा हो यार, वैसे बहुत खुली गार है इधर, और ये है मतलब खुली, मतलब है तो ये बहुत ही खुली गार है। अब ये आगे भी रास्ता जा रहा है, इधर कोई बंदा भी रहता था, बाकी अभी अगर आपको नज़र आए ना तो ये जिस पे मैं जूम कर रहा हूँ ये एक चमगादड़ है, ये चमगादड़ गोल हुई हुई है यार, हमारे मोबाइलों की इतनी फ्लैश नहीं है कि आपको सब कुछ नज़र आ सके यार। ये देखें राजा जी को देखें, ये अंदर नहीं आ रहे यार, डर भी लगते हैं। आओ यार थोड़ा जिगरा रखो, ये देखा आपने, ये चमगादड़ उड़ी है, ये रियल बैट्स, स्ट्रेंज प्लेसेस ऑफ एब्टा इन पाकिस्तान इन एब्टाबाद। हाँ ये देखें जवाद साहब, एक जिन हमारे साथ साथ है ये देख, अब तुमने भी बोला बोला गाइस, ये देखें ये गार के अंदर हम जा रहे हैं, क्या कहते हैं ये, इसके अंदर एक और भी बोल है, क्या क्या इसके अंदर कुछ सांप वगैरह, हाँ वो होल छोटा सा ही आपको नजर आ रहा है, ये अंदर आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और ये बैट्स वगैरह ने अपने घोंसले वगैरह जो भी होते हैं सुराख वगैरह वो बनाए हैं, एग्जैक्टली बैट 100% एग्जैक्टली 100% वो देखेगा जो गोर फ्लोर में गार के बिल्कुल अंदर यार, ये कोर फ्लोर में जा रही है, वैसे जैसा कि आप देख सकते हैं यार ये बहुत नीचे है, ये देखें मैं आपके पास से दिखा रहा हूँ, ये से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, पता नहीं क्या निकल रहे हैं इधर, ये पहले और बहुत गहरी होती थी लेकिन ये आप देख सकते हैं ये सारी मिट्टी गिर गई है, और ये देखें ये एक और भी होल है, ये यहाँ पे काफ़ी है, यहाँ पे पता नहीं सांप रहते हैं ये क्या। खैर अब ये बहुत छोटी हो चुकी है, पहले तो ये इससे भी गहरी और ख़तरनाक थी, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं ये इसकी कैसी दीवारें हैं, मतलब ये एक बंदे ने खुद कैसे पत्थर तराश के ये बनाई है, पूरा पहाड़ है ये आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ को तराशा हुआ है उस बंदे ने, आप खुद सोच लें कि पुराने वक्त में लोग कितने ताकतवर थे कि वो जो गार बना लेते थे, और ये अकेला बंदा था जिसने जो यहाँ पर रहता था, एक्चुअली वो यहाँ पर रहता होता था, और गाइस वो इतनी बड़ी जमीन का मालिक था, मतलब ये जो गाँव था ये तकरीबन 90% उसी का था, और फिर भी वो मतलब अकेला था, वो तनाई पसंद बंदा था, तो इस वजह से वो इधर आके रहता था। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, इसके पीछे गाइस पूरी स्टोरी है, तो इंशाल्लाह हम आपको ये किसी इधर के मकामी कमेंट सेक्शन में हमें बताना अगर आपने स्टोरी सुननी है तो हम उसकी एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, हम इधर के किसी मकामी बंदे की जुबानी आपको सुना देंगे। सो गाइस ये था हमारा व्लॉग, ये बाबा की जो कोई मतलब गार है एक खतरनाक सी, आप देख सकते हैं आगे, ये देखें काफी बड़ा, देख सकते हैं काफी खतरनाक है, कोई भी नहीं आता जाता, मतलब ना गांव वाले कोई भी नहीं आता, ये काफी अच्छे से जगह ऐसी ही पड़ी हुई थी, और मतलब यहाँ पे काफी होल्स वगैरह और काफी मतलब इधर हमें लगता है कि वो जो उधर एक होल है वो हम आपको दिखाएंगे, उसमें हमें लगता है कि कोई जानवर वगैरह भी है, लेकिन वो बहुत गहरा है, आगे हम नहीं जा सकते, खतरा है काफी, आगे से आवाजें भी आती है, मतलब जैसे कोई चीज अंदर बैठी हुई है, और ये गार काफी ठंडी है, अगर आपने यहाँ पे आके सोना वगैरह है तो अभी ये गलती ना करना यार, बहुत ठंडी गार है, सही बात है, अंदर आते हैं ऐसा लगता है जैसे अंदर लाइक एसी लगा हुआ है अंदर, मतलब बाहर से आओ ना ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ये फीलिंग आती है जैसे एसी लगा हुआ है, ठंडक महसूस होती है।
तो गाइस अगर आपने इधर आना हुआ तो हमें जरूर बताना, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा कि हम ऐसी जगह पे दोबारा जाएं, या और अगर... आप ये कह सकते हैं कि आज के लिए जाइए, आज तक ये जगह किसी ने डिस्कवर नहीं की, क्योंकि ऐसी जगह पे छुपी हुई है लाइक पहाड़ी के ऊपर है, और मतलब पहाड़ी पहाड़ ऐसा है कि उधर कोई ना कोई रहता है ना कोई आता जाता है। तू तो पीछे आना, तू क्यों डरा रहा है जिन बंदे? और इसका रास्ता मतलब इतना खतरनाक टाइप है ना, ये देखें इसको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको यार, ये देखें, ये हमारा सबसे इसको कुछ हो गया अंदर से इसके साथ। हाँ, ये देखा घर में आने का अंजाम, इसको हम कह रहे थे घर में बैठे फिर भी आ गए। देखो हम बहादुर लोग हैं। अब ये देखना ये उल्टी सीधी हरकतें करेगा, ठीक है, पता नहीं इसको क्या चीज अब काटती रहेगी। अब इसके बाबा मेरे चले यार छोड़े। ये था हमारा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करें, कर दो बेहतर, सब्सक्राइब भी जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, फ्री है पैसा नहीं, और आगे बताना कि हम मतलब कैसे व्लॉग बनाए और हमें कुछ मतलब पसंद लगे, यकीन मानो। हाँ फ्री में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।